सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था सोलर से चलने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो मार्केट में आसानी से आपको उपलब्ध हो सकते हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं, उनके क्या क्या लाभ हैं। आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे सोलर के किसी भी प्रोडक्ट में या सोलर पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उनकी क्या क्या महत्व है या उनकी जरूरत क्यों होती है। वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सोलर पावर प्लांट में या एक सोलर पावर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो मेनली यदि प्रैक्टिकली तौर पर अपन देखा जाए तो एक सोलर सिस्टम तीन कंपोनेंट मुख्य होते हैं उसमें। एक होता है इनपुट, जो कि आपका सोलर मॉड्यूल होता है जो पावर जनरेट करके हमें देता है। दूसरा बीच का कंपोनेंट होता है कंट्रोल या मैनेजमेंट यूनिट, जो भी सोलर से आपका जनरेटेड पावर आ रहा है उसे कंट्रोल करना, यदि एसी बनाना है तो फिर उसे एसी में कन्वर्ट करना, साथ ही साथ जो भी हमें उसमें रेगुलरिटी चाहिए, मींस यदि सोलर का जनरेशन में फ्लक्चुएशन हो रहा है धूप के कम ज्यादा होने से, तो हमारे लोड या बैटरी पे कॉन्स्टेंट और रेगुलेटेड पावर सप्लाई जाए। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, कंट्रोल या मैनेजमेंट यूनिट। ये चार्ज कंट्रोलर भी हो सकता है, आपका इन्वर्टर भी हो सकता है। तीसरा जो कंपोनेंट हमारा होता है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम निर्भर करेगा वो है हमारा लोड। यदि आपने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया, यदि आपको आपका लोड नहीं पता कि हमें क्या चलाना है, तो हमारा सोलर सिस्टम फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं हम। सपोज आपने 1 किलोवाट का सिस्टम मार्केट से खरीद लिया, लेकिन आपका लोड 1500 वाट है, मीन 1.5 किलोवाट है, तो फिर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। चाहे सिस्टम जो आप मार्केट से लाए हो कितना भी अच्छा हो, कितनी भी बेहतर क्वालिटी का हो, लेकिन चूंकि आपका लोड ज्यादा है, आपने सिस्टम उसके हिसाब से नहीं खरीदा, इसलिए आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये मेन तीन कंपोनेंट होते हैं, इनपुट मींस हमारा सोलर मॉड्यूल, बीच का जो है हमारा मैनेजमेंट या कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकता है इसमें, तीसरा है हमारा लोड। तो जब हम सोलर सिस्टम की डिजाइन करते हैं, सोलर के प्रोडक्ट की डिजाइन करते हैं, तो हम इन्हीं तीन पैरामीटरों को लेके बात करते हैं। दो प्रकार से सोलर सिस्टम डिजाइन की जाते हैं। एक होता है आपका सोलर जो मॉड्यूल है उसका कैलकुलेशन हम किसके ऊपर करें, हमारे लोड के ऊपर। जैसे सपोज आपको आपके घर में सिस्टम लगाना है, तो आप या तो ऐसे लगा लीजिए सिस्टम कि मुझे 4 पंखे चलाना है, 3 लाइट जलाना है, 2 टीवी चलाना है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ये आपका जो टोटल लोड हुआ, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई, इसके अकॉर्डिंग आप सोलर सिस्टम डिजाइन करेंगे या करवाएंगे या खरीदेंगे। दूसरा तरीका ये है कि सपोज आप 2 किलोवाट का सिस्टम खरीद लें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस 2 किलोवाट सिस्टम से हम अधिकतम कितना लोड चला सकते हैं। 1000 वाट बेयर करेगा या 1500 वाट ही चला सकते हैं या पूरा 2 किलोवाट लोड आसानी से चल जाएगा। तो दो प्रकार से हम सिस्टम का डिजाइन कर सकते हैं, एक होता है हमारे सोलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरा होता है हमारे लोड के अकॉर्डिंग। लोड के अकॉर्डिंग में आपको एक चीज और देखना है, हमें एसी लोड चलाना है या डीसी लोड चलाना है। जैसे कल हम और आपने चर्चा की थी कि डीसी लोड जो चलाना है उसे हम डायरेक्ट सोलर पर चला सकते हैं, लेकिन यदि मुझे एसी लोड चलाना है तो मुझे उसे इन्वर्टर लगा के एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब आप सोलर सिस्टम में लोड का कैलकुलेशन करें या लोड का सिलेक्शन करें, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला सबसे जरूरी बात, हमें कैसा लोड चलाना है, एसी है या डीसी है। जब आप ये निर्धारित कर लेंगे, उसके बाद आप ये हमें पता होना चाहिए कि हमें जो हमारा लोड है वो कब चलाना है, भाई दिन में चलाना है या रात में चलाना है। इसका क्या फर्क पड़ेगा, सपोज आपको दिन में सिस्टम चलाना है तो आप डायरेक्ट सोलर पे चला सकते हैं, फिर आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, या बैटरी का कैलकुलेशन उतना मायने नहीं रखेगा, आप छोटी बैटरी भी उपयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ दिन में उपयोग करना है, वो तो आपको डायरेक्ट सोलर से मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको रात में लोड चलाना है, तो फिर आपको ये बात जरूर देखना पड़ेगी हमें कितना लोड चलाना है, कितना,
और कितनी देर तक चलाना, ये दो बहुत जरूरी जानकारी है। कितना लोड चलाना है और कितनी देर तक चलाना है। कैसे? सपोज मुझे शाम को सूर्यास्त के बाद 500 वॉट चलाना है, ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे कितना लोड चलाना है, लेकिन कितनी देर चलाना है भाई, 1 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए, या पूरी रात 12 घंटे चाहिए, ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये पता नहीं है तो फिर आप बैटरी का जो कैलकुलेशन है कि मुझे कितना बैटरी बैक लगेगा, कैसे निकाल पाओगे? आप ऐसे समझिए कि सपोज आपको शाम के समय जब आपके घर में जैसे वाटर सप्लाई के आते ही होगी नल, तो जब नल चले जाते हैं तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो यदि मुझे ये नहीं पता होगा कि मुझे कितना पानी चाहिए और कितनी देर तक चाहिए, मीन्स मुझे 2 लीटर पानी चाहिए या 5 लीटर पानी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कितने लोगों को मुझे देना है, 1 लीटर करके मुझे 5 लोगों को देना है तो 5 लीटर हो गया, या मुझे कितनी देर तक उसका जरूरी है पानी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस प्रकार हमें नल जाने के बाद पानी की जरूरत के लिए हम पानी स्टोर करके रखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जरूरत कितनी है। इसी प्रकार जब हम सोलर सिस्टम के कैलकुलेशन करते हैं तो लोड हमें कितनी देर का बैकअप चाहिए, कितने लोड के लिए, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सिस्टम की बात कर लें आप, सोलर पावर सिस्टम की बात करूं या मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूं या मैं आपके एग्रीकल्चर पंप की बात करूं, ड्रिंकिंग वाटर पंप की बात करूं, आपकी फ्लड लाइट सिस्टम जो होता है, साइन बोर्ड सिस्टम है जो आपका, कोई भी सिस्टम हो, आप उसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो आप लोड के अकॉर्डिंग करेंगे, या जो आप सिस्टम डिजाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोड चलाना पड़ेगा। तो मेनली 3 प्रकार की ये कंपोनेंट है, सोलर मॉड्यूल, बीच का आपका कंट्रोल सर्किट, तीसरा आपका लोड। अब इनको छोड़ के जो दूसरे सिस्टम या कंपोनेंट आते हैं उन्हें हम कहते हैं BOS, बैलेंस ऑफ सिस्टम, जो इस सिस्टम को बेहतर या सुनियोजित तरीके से रख सकता है या काम करवा सकता है। इसमें क्या क्या आपके आ सकते हैं, सोलर मॉड्यूल आपने लगा दिया छत पे, अब आप ऐसा तो नहीं है कि उसे डायरेक्ट ऐसे छत पे रख देंगे, हवा आएगी तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिस पे हम इन सोलर मॉड्यूल को हमारे छत पे या रूफ पे, या आपके टीन सेट है तो टीन सेट पे, या झोपड़ी है तो उसके छत पे फिक्स कर सकें, स्थायी तौर पे फिक्स कर सकें उसे। ये लोहे का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, या कुछ लोग क्या करते हैं एंगल बना के उसमें क्रैम्पिंग करके उसे दीवार में सिविल वर्क से माउंट करा देते हैं, ठीक। तो जो हमारा BOS सिस्टम है उसमें हमारा स्ट्रक्चर है, ये साइड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है भाई, हमें कम हाइट का चाहिए या ज्यादा हाइट का चाहिए, ठीक है, रेस्ड होता है, या हमें कितना टिल्ट एंगल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें इसे डिजाइन करना पड़ेगा, 5 डिग्री स्लोप चाहिए या 25 डिग्री स्लोप चाहिए। तो मेनली अभी मार्केट में तीन प्रकार के मटेरियल के स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। एक है आपका MS माइल्ड स्टोन लोहा, दूसरा है आपका GI और हॉट डिप GI, और तीसरा है एल्युमिनियम स्ट्रक्चर। एल्युमिनियम स्ट्रक्चर अधिकतर वहां उपयोग किए जाते हैं जहां हमें मिनी रेल्स का उपयोग करना होता है, या लॉन्ग रेल्स तो अभी नहीं आई है, मिनी रेल्स आपको यदि इसकी पिक चाहिए तो आप WhatsApp पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। मिनी रेल्स क्या होती है, जो टीन सेट होते हैं उसके टीन पे, जो टीन सेट पे लगा दिए जाते हैं और जो आपके सेल्फ थ्रेड स्क्रू होते हैं उससे फिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर फिर मॉड्यूल लगा देते हैं। ये वजन में बहुत हल्की रहती है और इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है आपके MS या हॉट डिप GI से। तो ये मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर लेते समय हमेशा आपको इसके किस मटेरियल का ये बना है इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आपका सोलर सिस्टम आप बात कर रहे हैं 25 साल वारंटी की, तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया में रहेगा, जिस कंपोनेंट पे सबसे ज्यादा धूप, पानी, मौसम, हवा, धूल, इन सब का असर पड़ेगा, वो आपका मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि ये खुले में रखा रहेगा। तो कोशिश करिए हमेशा हॉट डिप GI का स्ट्रक्चर यूज करने की, क्योंकि इसमें जो जंग होती है या जो वातावरण का असर होता है ये
बहुत समय बाद ही शुरू होता है। यदि आप एमएस की बात करें तो 5-6 साल बाद उसमें जंग लगने लगती है ना, ऐसे आप देखोगे उसमें जंग की पपड़ी जैसे निकलने लगती है, जबकि जीआई और हॉट डिप जीआई जो है वो एमएस की तुलना में ज्यादा लंबे रहते हैं। अब जीआई और हॉट डिप जीआई में क्या अंतर है, तो हॉट डिप जीआई जो है ये जब लोहा को बना के उसको संरचना दी जाती है, सी चैनल हो या एच हो या एल हो सेप हो, तो बनाते समय ही इसे जीआई में हॉट डिप किया जाता है, मीन्स इसे जो उसका केमिकल होता है उसमें जो प्रोसेस है वो की जाती है। जबकि आपका जो जीआई है ये क्या होता है, एक बार आपकी संरचना बनने के बाद ही उसे जीआई की जो पेस्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें किया जाता है, तो पूरी तरीके से इस पे जो जीआई की सीट है वो नहीं चढ़ पाती, ठीक है, लेयर। इसीलिए कोशिश करिए हॉट डिप जीआई स्ट्रक्चर का ही आप उपयोग करें। हमने स्ट्रक्चर का उपयोग कर लिया, हमने छत पे मॉड्यूल फिक्स कर लिए, लेकिन अब फिक्स ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रक्चर लीजिए और उसे मॉड्यूल लगा के रख दीजिए, उसे उड़ने से या हवा के प्रेशर उस पे ना पड़े उसके लिए हमें उसे माउंट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें सिविल वर्क करना पड़ता है छत पे। तो आपने देखा होगा अधिकतर आजकल क्या हो रहा है, एंकर बोल्ट होते हैं फास्टनर, उन्हें आपकी हैमर मशीन से ड्रिल करके फिक्स कर दिया जाता है, बेस प्लेट होती है आपके स्ट्रक्चरों में जिसे हम फिक्स कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सीलिंग में, ठीक है, तो कोशिश करिए यदि आप फास्टनर का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें सीलेंट का जो मटेरियल आता है उसका उपयोग करें, जिससे जो आपका होल किया है आपने वो सील हो जाएगा और जो हमारा बरसात का पानी या दूसरा पानी वो हमारे नीचे हमारे सीलिंग में नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ आपने फास्टनर तो लगा दिए, इसके ऊपर सिविल वर्क किया जाता है, सिविल वर्क मीन्स पीसीसी जो आपका प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होता है, इसको सांचे में स्क्वायर शेप या राउंड शेप में बना के उसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कभी भविष्य में उड़ ना पाए, है ना। और इसका एक ये भी फायदा कि जो आपने वहां पास पंचिंग की है, जो आपने फास्टनर लगाए हैं, तो सिविल वर्क कर देने से जो पानी है वो उधर उसमें अंदर जाने कम चांस हो जाते हैं। तो ये जब हम माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं या उपयोग कर रहे हैं तब हमें ये सावधानी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मॉड्यूल लगाया, स्ट्रक्चर रखा और आउट साइड बाउंड्री वॉल में कीले ठोक के उसे जीआई तार से बांध दिए, क्योंकि पैसा बचाने के लिए, सिविल काम का पैसा बचाने के लिए कुछ कंपनियां ये भी कर रही हैं, लेकिन इसमें आने वाले समय में आपका ही नुकसान है। जब हवा का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये पैनल जो है ये उड़ जाएंगे, स्ट्रक्चर समेत उड़ जाएंगे। इसके बहुत सारे आपने देखा होगा, अभी पिछले महीना पुणे में जब बहुत तेज आंधी चला था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो स्ट्रक्चर लगे थे वो मॉड्यूल स्ट्रक्चर के समेत पूरे उड़ गए। ऐसे ही ये हो गया आपका मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के बाद चूंकि आपने स्ट्रक्चर यूज कर लिया, उसके ऊपर आपने मॉड्यूल लगा दिए, फिर हमें किस चीज की जरूरत है, उन मॉड्यूलों से जो भी जनरेटेड पावर है उसे हमें कहां ले जाना पड़ेगा, हमारे कंट्रोल यूनिट तक, इन्वर्टर कहिए या चार्ज कंट्रोलर कहिए। तो इसके बीच हमें यूज करना पड़ती है इंटरकनेक्शन के लिए डीसी केबल। डीसी केबल का उपयोग क्यों करना है, क्योंकि जो मॉड्यूल हमारा पावर जनरेट कर रहा है वो डीसी है। डीसी केबल और एसी केबल में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एक तो जो इसमें आपकी कवर होता है, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर जो कवर होता है ये डबल लेयर होता है। डबल लेयर होता है क्यों, क्योंकि मॉड्यूल और स्ट्रक्चर के बाद वायर है हमारा जो हमें खुले में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इस पर मौसम का असर ना पड़े। क्योंकि यदि आप नॉर्मल एसी केबल की बात करें तो जो उसके ऊपर पीवीसी लेयर होता है, इंसुलेशन जो उसका होता है वो पीवीसी मटेरियल का होता है, जिसमें धूप पानी का जल्दी असर हो जाता है। आप देखो यदि आप एक पीवीसी तार को छत पे रख देंगे तो हफ्ते दो हफ्ते में उसके ऊपर का कलर भी उड़ जाएगा, उसमें ऐसे दाने दाने आ जाएंगे, माइक्रो क्रैक्स भी आपको दिखेंगे, आप ऐसे मोड़ेंगे तो अंदर डायरेक्ट कंडक्टर दिखने लगेगा। लेकिन यदि आप डीसी केबल की बात करो तो जो इसका इंसुलेशन होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, डबल लेयर होता है, तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमें जब हम केबल का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम इसे डायरेक्ट डाल दें, हमें कंड्यूट पाइप का यूज करना चाहिए। यूपीवीसी हो सकता है, सीपीवीसी हो सकता है या नॉर्मल पीवीसी हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप कहां उसे उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या है जो आपका वायर आपने उपयोग किया है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर जो भी इफेक्ट है वो कम पड़ेगा, मौसम का असर कम होगा, धूप का असर कम होगा, अंदर ठंडक रहेगी वायर पे।
तो हमने स्ट्रक्चर लगाया, उसके ऊपर मॉड्यूल फिक्स किए, मॉड्यूल से हमने डीसी केबल ले कनेक्ट की और हमने डायरेक्ट इसे चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर में फिक्स कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन्वर्टर और आपके चार्ज कंट्रोलर के बीच जब आपने ये वायर कनेक्ट किया डीसी केबल आपकी, तो कल के दिन यदि आपको इसमें कोई मेंटेनेंस काम करना है तो या तो आपको इन्वर्टर में डायरेक्ट इसे खोलना पड़ेगा तारों के कनेक्शन को, या चार्ज कंट्रोलर से डायरेक्ट खोलना पड़ेगा, या कल के दिन किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो हमारा चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर जो हमने यूज किया है इसके खराब होने का भी खतरा होता है। इसीलिए हम इनके बीच में सेफ्टी जो स्विचेस आते हैं जैसे फ्यूज है, एमसीबी है, एमसीसीबी है, इनका उपयोग कर सकते हैं। इनका जो उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डीसीडीबी, ठीक है, डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसमें क्या होता है, आपके फ्यूजेस यूज होते हैं, ब्रेकर यूज होते हैं, एसपीडी यूज होती है। एसपीडी क्या होती है ये हम आगे चर्चा करेंगे। एसपीडी मीन सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। जब भी सर्ज होती है तो उसको हमारे सर्किट में या हमारा जो डिवाइस लगा है उस तक ना पहुंचे वो सर्ज आपकी, तो वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस उसमें उपयोग किया जाता है। एक दूसरा कंपोनेंट जो इस लाइन के बीच में लगाया जाता है वो कहलाता है एसएमबी, एजेबी या एससीबी। एजेबी अरे जंक्शन बॉक्स, एससीबी स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन बॉक्स, एसएमबी स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स। इसका क्या काम होता है, मार्केट में जो मॉड्यूल अवेलेबल है वो 250, 300, 350, 400 वॉट के अवेलेबल है। यदि आप 1 या 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलों को आपस में सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में जोड़ना होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप डायरेक्ट मॉड्यूलों को एक साथ जोड़ दीजिए, या आप उन्हें एक बॉक्स तक ले जाइए सेपरेट सेपरेट, फिर वहां से एक पॉजिटिव नेगेटिव बना के आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये बॉक्स उपयोग किया जाता है इसे ही बोलते हैं एसएमबी, एससीबी या एजेबी बॉक्स। मींस वो बॉक्स या वो आपका कंपोनेंट या डिवाइस जहां हम मॉड्यूलों के सीरीज या पैरेलल कनेक्शन का अरेंजमेंट करते हैं। इसका फायदा क्या है, सपोज आपने 20 पैनल उपयोग किए हैं जिसमें से 4-4 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है और एरे बना के आप आगे अपने इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर में कनेक्ट कर रहे हैं। कल के दिन यदि किसी स्ट्रिंग में फॉल्ट आ जाता है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो यदि मैं उस बॉक्स का ऐसे एससीबी या एसएमबी का उपयोग नहीं करूंगा तो क्या मुझे हर मॉड्यूल के कनेक्शन को खोल के चेक करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैंने एजेबी या एससीबी का उपयोग किया है तो मेंटेनेंस या उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए मैं उस बॉक्स पर डायरेक्ट उनके इनपुट टर्मिनलों पर चेक करके पता कर सकता हूं कि कौन सा स्ट्रिंग मेरा फॉल्ट है, वोल्टेज नहीं बना रहा या करंट नहीं बना रहा या कोई और दूसरी प्रॉब्लम। तो ये काम होता है आपका एजेबी का या एसएमबी का या एससीबी बॉक्स का। इसके बाद हमने चर्चा की कि डीसीडीबी का उपयोग करेंगे। फिर हमारा आ जाता है चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर का क्या काम है, बेसिकली चार्ज कंट्रोलर आप देखो चार्ज को कंट्रोल करने वाला। मींस हमारे सोलर से जो भी बन रहा है जनरेटेड पावर है उस पावर को आगे लोड तक पहुंचाने के लिए, यदि डीसी है तो लोड हमारा डायरेक्ट पहुंचाने के लिए, या बैटरी है तो बैटरी तक पहुंचाने के लिए, या इन्वर्टर में पहुंचाने के लिए हमें उसे कंट्रोल करके भेजना पड़ता है। जैसे हमारे इन्वर्टर की जो रेटिंग है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे जो मॉड्यूल से जनरेट पावर है उसका करंट और वोल्टेज की रेटिंग को सेट करना पड़ता है ना? या मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूं तो बैटरी बैंक मेरा 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है या 48 वोल्ट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने सोलर के जनरेटेड पावर का वोल्टेज फिक्स करना पड़ेगा। जो मैं लोड चला रहा हूं वो लोड कितने वोल्ट का है उसके हिसाब से भी मुझे उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो करता है वो हमारा चार्ज कंट्रोलर है। साथ ही साथ चार्ज कंट्रोलर का और क्या काम है, चूंकि सोलर मॉड्यूल जो पावर जनरेट कर रहा है वो जो धूप उसे मिल रही है उससे कर रहा है, धूप तेज धीमी भी होती रहती है समय समय पे, जो हमारा जनरेटेड पावर है वो भी हाई और लो होता रहेगा। तो यदि ये फ्लक्चुएशन मेरे डायरेक्ट लोड पे या बैटरी पे जाएंगे तो मेरा लोड भी खराब हो सकता है या मेरी बैटरी भी खराब हो सकती है। इसीलिए हमें एक ऐसा कंट्रोल सर्किट बीच में लगाना पड़ता है जो रेगुलेटेड सप्लाई आगे भेजे लोड को या बैटरी को। तो ये काम हमारा चार्ज कंट्रोलर करता है। साथ ही साथ
यदि मैंने डीसी सिस्टम की बात करूं तो जो हमारी बैटरी चार्जिंग हो रही है वो हमारे सोलर से जनरेटेड पावर से हो रही है। तो यदि मैं बीच में ऐसा कोई डिवाइस ना लगाऊं जो ये देखे कि मेरी बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, कितनी बची है, तो क्या होगा? सपोज आपकी बैटरी फुल हो गई लेकिन सोलर पावर जनरेट हो रहा है तो वो डायरेक्ट उसे बैटरी में भेजता ही जाएगा, इसलिए हमारी बैटरी ओवर चार्ज होके खराब हो सकती है। तो मैं चार्ज कंट्रोलर उपयोग इसलिए करता हूं ताकि वो मेरी बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचा सके। एक और काम क्या है चार्ज कंट्रोलर का कि सपोज मैंने बैटरी से लोड कनेक्ट किया तो लोड मेरा चल रहा है, चलते चलते मेरी बैटरी लो हो गई, लेकिन चूंकि बीच में मैंने कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाया तो जो लोड है वो कंटिन्यू उस पावर को लेता रहेगा, जिससे मेरी बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज होने लगेगी। इसीलिए भी हम बीच में चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करते हैं ताकि हमारी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचा सके। तो इस प्रकार से चार्ज कंट्रोलर के क्या क्या काम है, लोड या बैटरी को या इन्वर्टर को रेगुलर सप्लाई प्रोवाइड करना, जो भी वोल्टेज या करंट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे सेट करके आगे भेजना, बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाना या बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाना, ये काम है हमारा चार्ज कंट्रोलर का। अभी के समय में मार्केट में मेनली दो प्रकार की टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर आ रहे हैं, एक होता है हमारा PWM, दूसरा होता है हमारा MPPT। जो PWM टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर होते हैं ये मेनली वर्क करते हैं आपके वोल्टेज पे। सपोज सोलर मॉड्यूल 12 वोल्ट के रेटिंग वोल्टेज के मॉड्यूल की बात करूं तो उसका जो Vmax है वो 17 वोल्ट होता है, लेकिन जब हम इससे बैटरी कनेक्ट करते हैं या लोड कनेक्ट करते हैं तो बैटरी को चार्ज करने के लिए चूंकि 12 वोल्ट की बैटरी है तो हम 13.5 से 14 या 15 वोल्ट तक मैक्सिमम ही वोल्टेज इसे देते हैं, या मेरा 12 वोल्ट का जो लोड है तो मैं उसे कोशिश करूंगा 12.5-13 वोल्ट तक ही देने की। तो जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है ये जो इनपुट में 17 वोल्ट आ रहा है उसे लोड या बैटरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंग उतना कम करके उन्हें सप्लाई करने लगता है। तो यदि मैं बात करूं 17 वोल्ट है मेरा, माना मैंने 1 एम्पियर करंट है, चार्ज कंट्रोलर लगा उसने आगे भेजा तो क्या होगा, 17 वोल्ट को वो कन्वर्ट कर देगा 13 या 15 वोल्ट में, एम्पियर तो मेरा फिक्स है 1 एम्पियर। तो यदि मैं पावर की बात करूं तो जैसे 17 × 1 इनपुट में आ रहा मेरा 17 वोल्ट, लेकिन चूंकि इसने वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, करंट फिक्स है तो मेरा आगे क्या गया, यदि इसने वोल्टेज को 13 वोल्ट किया तो वोल्टेज क्या हुआ मेरा 13 × 1 एम्पियर, 13 वॉट ही हुआ। तो मींस मेरा जो 17 आ रहा था और 13, 4 वॉट का सीधे सीधे मेरा लॉस हो गया। तो ये है आपका PWM टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर। PWM चार्ज कंट्रोलर की जो एफिशिएंसी होती है वो 70% से 80% ही होती है। यही वजह है कि ये कीमत की यदि मैं बात करूं तो ये सस्ते होते हैं किससे, MPPT चार्ज कंट्रोलर की तुलना में। यदि मैं MPPT चार्ज कंट्रोलर की बात करूं तो MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग या ट्रैकर, तो MPPT चार्ज कंट्रोलर क्या करते हैं, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं। यदि इसी से सर्किट में मैं PWM चार्ज कंट्रोलर अलग करके MPPT यूज करूंगा तो वो क्या करते हैं, जो हमारा 17 वॉट आ रहा है ना, 17 वोल्ट 1 एम्पियर, उसको वो वोल्टेज को डाउन कर देगा लोड या बैटरी के अकॉर्डिंग, और जो उसका रेशो बना वोल्टेज का जो उसने कम किया उसके अकॉर्डिंग जो मेरा करंट है वो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ाएगा कैसा आपका कि सपोज 17 वोल्ट को उसने 12 वोल्ट में कर दिया तो जो मेरा 5 वोल्ट बचा उस 5 वोल्ट को वो करंट को उतना बढ़ा देगा रेशो में हमारा, तो जो मुझे वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज कितना मिलेगा, लगभग 90% से 95% मिलता है। यही वजह है कि जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं ये कॉस्ट में महंगे होते हैं क्योंकि ये बहुत एडवांस होते हैं, इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। तो जैसे कल हमने चर्चा की थी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में 2 प्रकार के इन्वर्टर यूज होते हैं, आपका नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर। तो नॉर्मल इन्वर्टर में जब हम चार्ज कंट्रोलर उपयोग करते हैं तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार का चार्ज कंट्रोलर उपयोग कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर जो मार्केट में आते हैं वो भी ये दोनों चार्ज कंट्रोलर के हिसाब से आते हैं। तो PWM चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर सस्ते रहते हैं और MPPT चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर महंगे होते हैं। तो आप कोशिश करिए जब आप सोलर इन्वर्टर उपयोग कर रहे हैं तो आप ये जरूर देखें कि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो PWM है या MPPT
चार्जर लगा है उसमें। हमने मॉड्यूल देख लिया, मॉड्यूल के साथ स्ट्रक्चर देखा, मॉड्यूल से जनरेटेड पावर को हम डीसी केबल का उपयोग करके हमारे कंट्रोल सर्किट तक ले आए। बीच में हमने एमसीसीबी, आरसीबी या फ्यूज, एसपीडी ये उपयोग कर लिए। हमने चार्ज कंट्रोलर की टेक्नोलॉजी भी देख ली। अब बात आती है हमारे इन्वर्टर की। तो जो हमने कल चार प्रकार के सिस्टम देखे, तो उसमें यदि मैं डीसी सिस्टम का होम लाइट सिस्टम छोड़ दूं, तो जो तीन सिस्टम बचे, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड बाय डायरेक्शनल सिस्टम, तो इन सिस्टमों में जो हम इन्वर्टर यूज करते हैं वो उसी के नाम से होता है। जैसे मैंने ग्रिड टाई की बात की, तो मैं ग्रिड टाई इन्वर्टर उपयोग करूंगा। ग्रिड टाई इन्वर्टर क्या करता है, इसमें एक्सपोर्ट का फीचर होता है ना, कि जो हम जनरेटेड पावर कर रहे हैं वो उसे सिंक्रोनाइज करके एक्सपोर्ट कर देता है। तो जब हम ऐसा आपका इन्वर्टर खरीदने जाते हैं, तो हमें इसमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे जो मेन चीज है वो आपकी इसमें देखने की है, सबसे जो मेन आप देखोगे वो होगा, एक तो ब्रांड आप देखोगे। ब्रांड वैल्यू इसलिए देखना जरूरी है किसी भी कंपोनेंट में, कि सपोज आपने, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आपने किसी लोकल कंपनी का उपयोग कर लिया, उसने आपको 5 साल की वारंटी भी दी ऑन पेपर लिख के, लिए भाई आपको 5 साल की इन्वर्टर पे वारंटी है, हो सकता है 2 से 3 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाए, तो आपके पास यदि उसका कागज भी है तो कोई काम का नहीं है, है ना। या सपोज आपने, आप एमपी में हो, आपने साउथ की कंपनी से ले लिया, अब यदि इन्वर्टर में फॉल्ट आया, और उस पे 2 प्रकार की वारंटी हमें मिलती है सोलर प्रोडक्टों पे, एक होती है ऑन साइड वारंटी, एक होती है ऑफ साइड वारंटी। तो यदि ऑन साइड वारंटी है तब तो ठीक है, आपने कंप्लेंट की, उसके सर्विस इंजीनियर आके आपको साइट पे सपोर्ट दे दिया। लेकिन यदि ऑफ साइड वारंटी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन्वर्टर खोल के पैक करके भेजना पड़ेगा साउथ, फिर उधर से कितने दिन में वो ठीक होता है, फिर रिटर्न आएगा, तो ये काफी लंबी प्रोसेस है। तो एक तो हमें, जब भी हम कोई भी कंपोनेंट खरीद रहे हैं, सिर्फ इन्वर्टर ही नहीं, तो हम ये जरूर देखें कि उसकी जो सर्विस है हमें, ठीक है, सर्विस कितनी आसानी से हमें उपलब्ध हो सकती है, हमारे पास सर्विस सेंटर उसका किस जिले में है, ठीक है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी उसकी सर्विस मिल सके, भरोसेमंद कंपनी है या नहीं। साथ ही साथ हमें इसमें जो रेटिंग होती है, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उनका भी ध्यान देना चाहिए। क्या क्या चीज हमें ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले जो इसमें इनपुट आपकी एसी वोल्टेज सप्लाई की रेंज होती है, ये आप कोशिश करो कि वाइड हो। वाइड होने से क्या फायदा होगा, सपोज आपने ग्रिड टाई सिस्टम लगाया है और उसमें जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई की रेंज है वो 220 से 250 ही है, और जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की वोल्टेज आ रहा है, सपोज वो 250 की जगह 260 हो गया, तो यदि वो 260 हो गया तो क्या करेगा आपका इन्वर्टर, चूंकि वो इसके रेंज के बाहर है, तो आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा, आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक इन्वर्टर की नहीं बता रहा हूं, किसी भी सिस्टम में, चाहे ऑफ ग्रिड हो, ग्रिड टाई हो या हाइब्रिड बाय डायरेक्शनल हो, किसी भी इन्वर्टर की आपको ये बता रहा हूं कि इनपुट एसी वोल्टेज रेंज ये वाइड होना चाहिए। मीन्स कम से कम कितना वोल्टेज ये बियर कर सकता है, आपका 220 है या 190 है या और उससे कम की रेंज है, उसे सेंस करें। साथ ही साथ हाई वोल्टेज रेंज 270-275 तक होना चाहिए, ठीक है, ताकि ग्रिड का जो हमारी सप्लाई आ रही है उसका वोल्टेज कितना भी कम ज्यादा होने पे हमारा सिस्टम काम करना बंद ना करे। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी वोल्टेज रेंज हो गई। दूसरा जो आप रेंज देखोगे वो आप देखोगे इनपुट सोलर वोल्टेज रेंज। ये क्यों जरूरी है, इसे भी आप कोशिश करिए कि आपको वाइड ही मिले। वाइड मिलने का फायदा क्या है, सपोज आपने एक इन्वर्टर खरीदा जिसकी वोल्टेज रेंज है 1 किलोवाट की, यदि मैं बात करूं तो इसकी वोल्टेज रेंज है आपकी 25 वोल्ट से 70 वोल्ट तक, ठीक है, 25 वोल्ट से 70 वोल्ट तक। एक और इन्वर्टर है जिसकी वोल्टेज रेंज है 30 वोल्ट से 50 वोल्ट तक। तो इनमें फर्क क्या है कि जो 25 वोल्ट वाला आपका इन्वर्टर है, ये सुबह चूंकि धूप कम रहती है, हमारा जो मॉड्यूल है ये कम जनरेशन करेगा, तो इसे जो 25 वोल्ट है ये जल्दी मिल जाएगा, हो सकता है सुबह 7 ही बजे मिल जाए, तो मेरा इन्वर्टर 7 बजे ही काम करने लगेगा, क्योंकि 25 वोल्ट पे ये स्टार्ट हो जाता है। इसकी हायर रेंज कितनी है, 70 वोल्ट, है ना। तो शाम के समय भी आप देखो 70 वोल्ट हाई रेंज होने का फायदा ये है कि मैं उसमें 35-35 वोल्ट के 2 मॉड्यूल डायरेक्ट सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूँ,
है ना, यदि 70 वोल्ट नहीं होती सिर्फ 35 ही वोल्ट रहती तो मुझे क्या करना पड़ता, दोनों मॉड्यूलों को मेरी मजबूरी थी कि मुझे पैरेलल करना पड़ता ताकि जो मेरा वोल्टेज हो 35 ही वोल्ट होता, है कि नहीं। तो सुबह 25 वोल्ट है तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, शाम को चूंकि जब शाम होने लगती है तो जो जनरेशन है आपका है वो कम होने लगता है, क्यों, क्योंकि जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है वो भी कम होती है, तो जो हमारा पावर है जो सिस्टम का वोल्टेज है सोलर का ये भी कम होगा, तो 25 वोल्ट है इसलिए ये ज्यादा देर तक काम करेगा, है ना। इसी की जगह यदि मैंने दूसरा जो इन्वर्टर यूज किया है जिसकी वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट से 50 वोल्ट है तो ये क्या करेगा, सुबह जब 30 वोल्ट आ जाएगा ये तभी आपका जनरेशन शुरू करेगा या सिस्टम काम करना शुरू करेगा, और शाम को जैसे ही 50 वोल्ट से कम हुआ वोल्टेज तो ये आपका, या 30 वोल्ट से कम हुआ वोल्टेज तो ये आपका सिस्टम काम करना बंद कर देगा, चाहे कितनी भी नॉर्मल धूप हो या हमारा सिस्टम या हमारा सोलर पैनल 28 वोल्ट बना रहा हो या 27 वोल्ट बना रहा हो। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी सोलर इनपुट रेंज है ये कम से कम हो ताकि हमारा इन्वर्टर सुबह जल्दी चालू हो जाए काम करना और शाम को देर तक काम करे। ज्यादा रेंज का क्या फायदा है हायर साइड का, कि हम मॉड्यूल जो है वो स्ट्रिंग में ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि यदि मेरे पास 10 मॉड्यूल है और मेरी वोल्टेज रेंज कम है तो मुझे 10 मॉड्यूल को पैरेलल करके ले जाना पड़ेगा, जिससे मेरी जो मैं वायर यूज कर रहा हूँ ये ज्यादा हो जाएंगे मेरी, क्योंकि स्ट्रिंग की संख्या ज्यादा हो जाएगी। उसी की जगह यदि मैं ऐसा इन्वर्टर यूज करता हूँ जिसकी वाइड रेंज है तो मैं पूरे 10 पैनलों को एक साथ यदि जोड़ सकता हूँ तो एक बनाऊंगा स्ट्रिंग और दो प्लस माइनस निकाल के सिर्फ दो तार में ही मेरा कनेक्शन हो जाएगा, तो इससे आपकी वायर की जो कॉस्ट है ये भी आप कम कर सकते हो जो एक्सपेंस हो रहा है। साथ ही साथ कल के दिन फॉल्ट चेक करना है तो भी मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग चेक करना पड़ेगी, है ना। तो ये है आपकी वोल्टेज रेंज को चेक करना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर होते हैं जो हर इन्वर्टर में होता है, ठीक है, जिसे आप उसकी इन्वर्टर खरीदते समय जो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की डाटा शीट होती है आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये हो गई आपकी इन्वर्टर की बात। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यदि है तो मुझे इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में जो ओवरलोड होता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अधिकतर सिस्टमों में आती है, कि मैंने 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया और इसकी चूंकि लोकल ब्रांड था तो इसकी जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है इसमें वो नहीं है, तो क्या होगा यदि मैंने मेरा जो रेटिंग इसका जो कैपेबिलिटी है लोड बेयर करने की उससे ज्यादा यदि हो गया, सपोज मैंने इससे पंप कनेक्ट कर दिया, अब नॉर्मली वो पंप 6 एम्पियर या 4 एम्पियर लेता था और सडनली उस दिन इसने 8 एम्पियर ले लिया, और चूंकि मेरे इन्वर्टर में प्रोटेक्शन नहीं है तो क्या होगा, मेरा इन्वर्टर खराब हो जाएगा, लेकिन तो इसलिए यदि आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो इसमें आप ओवरलोड प्रोटेक्शन देखिए कि कितनी मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। साथ ही साथ चूंकि मैंने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, मैंने इससे बैटरी कनेक्ट की है, तो मेरी बैटरी की मैक्सिमम चार्जिंग जो वोल्टेज रेंज है वो कितनी है, ऐसा तो नहीं कि मेरी बैटरी को मुझे 14 वोल्ट से चार्ज करना था और इसकी रेंज जो है वो 17 वोल्ट है, तो क्या होगा, मेरी बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी ओवर चार्जिंग के कारण, या लो जो आपका बैटरी प्रोटेक्शन है लो बैटरी करने का, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी बैटरी 11 वोल्ट के नीचे होने पर डीप डिस्चार्ज जाती लेकिन मेरे इन्वर्टर में ये प्रोटेक्शन है ही नहीं तो बैटरी मेरी 10 वोल्ट पे पहुंच गई। डीप डिस्चार्ज जब बैटरी हो जाती है तो फिर ये नॉर्मली सोलर से या इन्वर्टर से चार्ज नहीं होती, इसे हमें पावर चार्ज से चार्ज करना पड़ता है या बूस्ट करना पड़ता है। तो ये दो मेन फीचर है, ओवर चार्जिंग और आपका लो डिस्चार्ज। वोल्टेज रेंज जो होती है ये आप जरूर देखें इन्वर्टर में कि आपके इन्वर्टर की कितनी है, साथ ही साथ ओवरलोड की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है आप ये भी चेक करो। एक और जो आपका फीचर होता है वो है इनपुट सोलर वोल्टेज रेंज। इनपुट वोल्टेज सोलर रेंज क्या होती है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में, कि इन्वर्टर में हम कितना सोलर कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे। सपोज आपने 1000 वाट का इन्वर्टर लिया और आपको मार्केट में 300 वाट के पैनल मिल रहे हैं, मीन्स आप 300-300 के तीन पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं, या तो आप तीनों पैनलों को सीरीज में लगा के जोड़ दीजिए, वोल्टेज आपका जुड़ जाएगा करंट सेम रहेगी, या उन्हें पैरेलल करके जोड़ दीजिए तो जो आपका वोल्टेज है ये कम रहेगा, करंट की जो रेंज है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपके इन्वर्टर की इनपुट सोलर की वोल्टेज रेंज कितनी है,
35 वोल्ट है या 70 वोल्ट है या 100 वोल्ट है, ताकि जो मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ वो इस वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंग बना सकूं। साथ ही साथ आपको इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी देखना पड़ेगी कि सिर्फ मैं इसमें इनपुट 7 एम्पियर दे सकता हूँ या 15 एम्पियर दे सकता हूँ, जिसपे आप पैरेलल जो हमारे मॉड्यूल है उनको कनेक्ट कर सके। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फीचर है इन्वर्टर में जो आपको इन्वर्टर को खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हो या ग्रिड टाई इन्वर्टर हो या बाय डायरेक्शनल इन्वर्टर हो, कोई भी इन्वर्टर हो, उसे खरीदने से पहले उसके टेक्निकल डेटा शीट लीजिए, उसको चेक करिए उसमें क्या क्या फीचर है। पॉसिबल हो तो एक दो कंपनी के अलग अलग इन्वर्टर या जो भी प्रोडक्ट है उसकी डेटा शीटों को आपस में कंपेयर करिए, है ना। जैसे मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में भाई एक कंपनी के मॉड्यूल की 12% एफिशिएंसी है, एक कंपनी के मॉड्यूल की 17% एफिशिएंसी है, एक कंपनी के मॉड्यूल की 22% एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एक निश्चित एरिया में, ठीक है, एक सेपरेट एरिया में यदि 12% एफिशिएंसी वाला मॉड्यूल है, मतलब वो सिर्फ 12% ही हमको जो लाइट उसे मिल रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके देगा। 17% एफिशिएंसी वाला मॉड्यूल है मींस उसी क्षेत्र में वो जो लाइट मिल रहा है उसे 17% चार्ज करके देगा। एक उदाहरण से समझो इसे आप। सपोज मुझे 100 वॉट जो लाइट है वो मुझे मिल रहा है जो 100 वॉट बिजली बना के दे सकता है। अब यदि मैंने 12% एफिशिएंसी वाला मॉड्यूल उपयोग किया तो क्या होगा, मुझे सिर्फ 12 वॉट मिलेगा। यदि मैंने 17% एफिशिएंसी वाला मॉड्यूल यूज किया तो मुझे 17 वॉट मिलेगा, है ना। यदि मैंने 22% एफिशिएंसी वाला उपयोग किया तो मुझे 22 वॉट मिलेगा। तो ये जिस मॉड्यूल की जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो हमें उतना जो इनपुट मिल रहा है उसको कन्वर्ट करके देगा। तो जब आप मॉड्यूल खरीदें तो आप एफिशिएंसी देखें, जब आप इन्वर्टर खरीदें तब भी आप एफिशिएंसी देखें। इन्वर्टर की एफिशिएंसी से क्या मतलब है, इन्वर्टर की एफिशिएंसी का मतलब जो भी उसमें इनपुट पावर मिल रहा है। इनपुट पावर इन्वर्टर को किससे मिलता है, आपके बैटरी से। सपोज हमारी बैटरी 100 वॉट की है, अब हमारे इन्वर्टर की एफिशिएंसी 90% है, इसका मतलब जब वो 100 वॉट को लेगा तो वो उसमें 10% जो है वो लॉस करने के बाद मुझे 90% ही आउटपुट देगा। या उसके चार्ज कंट्रोलर जो उसमें इनबिल्ट है उसकी बात करूं तो यदि चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी आपकी 80% है तो जो मुझे सोलर मिल रहा है बैटरी चार्ज करने के लिए 100 वॉट मिल रहा है तो उसमें 20% लॉस करके सिर्फ मुझे 80% ही आउटपुट पावर देगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी जरूरी बातें हैं जो हमें सिस्टम खरीदते समय या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर से जो भी आउटपुट निकला है, यदि ग्रिड टाई सिस्टम है तो क्या करूंगा मैं, उसमें जो भी आउटपुट निकला है उसको मीटर में जोड़ूंगा ताकि वो एक्सपोर्ट हो सके या उधर से मुझे इंपोर्ट का सप्लाई मिल सके। तो इसके बीच में भी मुझे एक कंट्रोल सर्किट चाहिए जो मेरे पावर को कंट्रोल करे, शॉर्ट यदि हो रहा है तो उस प्रोटेक्शन दे, उसे शॉर्ट सर्किट होने से बचाए, है ना, या उसमें सर्ज आ रही है तो उसको प्रोटेक्ट करे। तो हम बीच में एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे ACDB बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो ये है आपका ACDB। इसके बाद जो पावर मेरा जनरेट हो रहा है, मुझे ये जरूरी है कितना पावर जनरेट हुआ, तो ये आप एक तो आपका इन्वर्टर में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर इन्वर्टर में ये रहता है फीचर। साथ साथ आप एक जनरेशन मीटर भी लगाते हैं जो आपको ये बताता है कि मेरा कितना पावर जनरेट हुआ है। उसके बाद ये आपके घर में जो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उससे कनेक्ट होता है ताकि जो जनरेटेड पावर है वो आप घर में भी उपयोग कर सको और जो रिमेनिंग सरप्लस पावर है ये आपकी एक्सपोर्ट हो सके। एक्सपोर्ट होने से पहले जो आपका नॉर्मल मीटर लगा है उसकी जगह हम नेट मीटर लगाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और नेट की रीडिंग इसमें काउंट की जा सके। यदि सपोज आपने नेट मीटर नहीं उपयोग किया है, आपने जनरेशन मीटर उपयोग किया है, तो जनरेशन मीटर नहीं, नॉर्मल मीटर है, तो ये क्या करेगा, चूंकि हमारा जो नॉर्मल मीटर होता है ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ रीडिंग ही काउंट करता है, चाहे आ रही हो, है ना, या जा रही हो। तो यदि मैं ऐसा मीटर इसमें उपयोग कर लूंगा तो ये क्या करेगा, इधर से पावर आई 100 वॉट, घर में 80 वॉट उपयोग हुई, 20 वॉट आगे जाने लगी,
तो ये जो रीडिंग लेगा उसको कैसे लेगा, 100+20 120 वॉट की रीडिंग लेगा। ये नहीं काउंट करेगा कि कितनी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कितनी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यदि मैं नॉर्मल मीटर का ही उपयोग कर रहा हूँ तो जो इसमें यूनिट कंजप्शन है ये ज्यादा बढ़कर आएगा। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि जब तक हमारा नेट मीटर नहीं लगा हम अपना सिस्टम ऑन ना करें, नहीं तो जो हमारा पावर है या जो मीटर में खपत है बिजली की ये बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रिड टाई सिस्टम में आपका मॉड्यूल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, उसका सिविल वर्क, आपकी डीसी केबल पाइपिंग के साथ, उसकी ड्रेसिंग के साथ, फिर आपका डीसी डीबी के बाद हमारा इन्वर्टर। ठीक है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है तो उसमें आपकी चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट हो या एक्सटर्नल हो, उसके साथ जो हम बैटरी उपयोग कर रहे हैं वो, फिर जो हम लोड चला रहे हैं। ग्रिड टाई सिस्टम है तो जो मैंने पावर बनाया वो आपके एसी डीबी में गया, एसी डीबी से फिर जनरेशन मीटर में, जनरेशन मीटर से नेट मीटर में, फिर वो आपकी एक्सपोर्ट हो गया। ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो हम बैटरी उपयोग करते हैं ये हम आगे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिसाइड करेंगे कि जो आपका बैटरी बैंक है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लोड कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वर्टर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से सोलर मॉड्यूल कैसे कैलकुलेट करना है। बट अभी एक नॉर्मली हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमें जितना लोड चाहिए है ना, 500 वाट चाहिए या 1 किलोवाट चाहिए, उस लोड को चलाने के लिए इन्वर्टर सेलेक्ट होगा, इन्वर्टर डिसाइड करेंगे हम 800 वाट लोड चलाना है तो हम 800 या 1000 VA का इन्वर्टर उपयोग करेंगे। लेकिन हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, 500 वाट लोड हमें कितने घंटे चलाना है, तो 500 वाट लोड सपोज हमें 5 घंटे चलाना है तो 500 वाट बोले 5 घंटे तो ये हो गया आपका 2500 वाट। तो ये 2500 वाट लोड हमें जो जरूरत है इसके अकॉर्डिंग हम हमारा बैटरी बैंक डिसाइड करेंगे। फिर हमें हमारा बैटरी बैंक कितना चलाना है, कितना चार्ज हो, ये चार्ज किससे होगा, हमें जो सोलर से जनरेटेड पावर हो रहा है उस पे। तो जो हमारा सोलर है वो हमारा डिपेंड करेगा बैटरी पे, हमारी बैटरी जो है ये डिपेंड करेगी हमारे लोड पे। या उल्टा सर्कल देखेंगे तो हमारा जो लोड है ये डिपेंड करेगा हमारी सोलर पे कि मेरे पास कितना सोलर अवेलेबल है, और हमारी बैटरी जो डिपेंड करेगी ये भी करेगी सोलर पे कि यदि मेरा सोलर पावर एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है तो मैं इतना ही बैटरी बैंक उपयोग करूंगा जो इस 4 यूनिट से चार्ज हो जाए। ये जो कैलकुलेशन है हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका सिस्टम के कंपोनेंट। इन्वर्टर से जो हम आगे ले जाते हैं लाइन, ये एसी केबल उपयोग होती है। तो एसी केबल तो आपको नॉर्मली आप कोई भी उपयोग कर सकते हो, सिंगल कोर हो या 3 कोर हो या 4 कोर हो। ठीक है, आपकी सिंगल कोर है मींस आपके इसमें 2 वो रहेंगे है ना, सिंगल कोर केबल 1 कंडक्टर, 2 कोर 2 कंडक्टर, 3 या 4 केबल में आपको 2 प्रकार की आती है। एक आती है अनआर्मर्ड, अनआर्मर्ड मींस जिसके ऊपर एल्युमिनियम की वो जो परत होती है आर्मर्ड जो वो चढ़ा नहीं रहता। बड़े रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम आर्मर्ड केबल का उपयोग करते हैं। केबल का मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो आपको बता दूं जिसमें हम टाइप्स ऑफ केबल और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड करते हैं ये हम चर्चा कर लेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे हमारे कंपोनेंट। तो आपने मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल के बाद आपने माउंटिंग स्ट्रक्चर देखा, उसमें सिविल वर्क क्यों जरूरी है, डीसी केबल का उपयोग क्यों करना जरूरी है ये भी हमने आज जाना, उसकी ड्रेसिंग क्यों की जाती है मीन्स उसे पाइपिंग जो पीवीसी पाइप है उसका उपयोग क्यों करते हैं, बीच में हम स्विच या ब्रेकर का उपयोग कर क्यों करते हैं, इन्वर्टर खरीदते समय हमें क्या क्या चीज है उसकी टेक्निकल देखना चाहिए, इसमें चार्ज कंट्रोलर जो उपयोग हो रहा है वो कैसा लेना चाहिए, फिर हम यदि ग्रिड टाई सिस्टम की बात करें तो बीच में और क्या क्या कंपोनेंट हमें लगाना जरूरी है। एक चीज जो जरूरी है वो बच रही है आपकी अर्थिंग। तो अर्थिंग और साथ में एक आता है आपका लाइटिंग अरेस्टर। तो अर्थिंग हम क्यों करते हैं ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी जान है ना, जान जो आपकी सेफ्टी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल या की फैक्टर है। तो जो अर्थिंग है ये आप जब हम कंपोनेंट का करेंगे या जब सिस्टम डिजाइन करेंगे तब हम अच्छे से जान लेंगे कि अर्थिंग। अभी से ये हम समझ सकते हैं कि अर्थिंग क्या होती है। आपको जो भी लीकेज करंट है हमारे सिस्टम में तो उस लीकेज करंट को एक न्यूनतम रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करते हैं हम ग्राउंड करके,
ताकि वो हमारी बॉडी में ना आके उस पाथ के थ्रू जमीन में ग्राउंड हो जाए। सपोज आपके इन्वर्टर में कोई आपके जो फेस लाइन है वो आपकी इन्वर्टर की बॉडी से टच हो गया, तो उसकी जो बॉडी है क्योंकि वो लोहे की है उसमें करंट आने लगा। अब यदि मैंने उसे ग्राउंड नहीं किया है तो जो उसमें करंट है जैसे ही मैं उसे टच करूंगा तो वो जो टच करते ही उसका जो करंट है वो फ्लो मेरी बॉडी में से होके ग्राउंड में जाने लगेगा, है ना। लेकिन यदि मैं उसके पहले उसको ग्राउंड कर दूं जमीन से, अर्थ दे दूं, तो चूंकि मेरे शरीर का जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो मैंने अर्थिंग बनाई है उससे बहुत ज्यादा है। यदि मेरे शरीर का रेजिस्टेंस 1 मेगावाट ओम है और जो मैंने अर्थिंग दी है वो 50 ओम या 100 ओम है या 3 ओम है, तो हम ये जानते हैं कि जो करंट होता है, जो चार्जेस होते हैं, ये सबसे सरल जो पाथ है, जो इनका परिपथ है, उसे ही चुनते हैं ग्राउंड होने के लिए। तो जहां लो रेजिस्टेंस होगा ये उसे ही फॉलो करेंगे। तो जैसे ही मेरा शरीर इससे टच हुआ तो ये मेरे शरीर में न जाके जो मैंने अर्थ किया है उसमें से ये कनेक्ट होके ग्राउंड हो जाएंगे। इसीलिए अर्थिंग बहुत जरूरी है ताकि हमें झटका ना लगे, शॉक ना लगे। लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या है? लाइटिंग अरेस्टर या तड़ित चालक हिंदी में बोलते हैं, तो इसका मेन काम है जो आकाशीय बिजली होती है। आकाशीय बिजली यदि मेरे सिस्टम में हो, ठीक है, आकाशीय बिजली का असर जो स्पाइक होती है वो मेरे सिस्टम में हो या मेरे स्ट्रक्चर पे हो, तो वो मेरे स्ट्रक्चर में यदि हुई या मेरे मॉड्यूल में हुई या मेरे सिस्टम में हुई तो उस पर इफेक्ट ना करे। मैं उससे भी कम रेजिस्टेंस का एक इसको ग्राउंड, ठीक है, मेरे सिस्टम पे या मेरे मॉड्यूल पे या मेरे स्ट्रक्चर पे उस लाइट का असर होने से पहले मैं एक ऐसा उधर पास मेटल का स्ट्रक्चर खड़ा कर दूं और बिल्कुल लो रेजिस्टेंस का, ताकि जब आकाशीय बिजली फॉल हो या उसकी स्पाइक उठे तो वो उस मेरे सिस्टम या मॉड्यूल पे न गिर के लाइटिंग अरेस्टर पे आ जाए, ठीक है। और लाइटिंग अरेस्टर से मैं ग्राउंडेड रहता है चूंकि लाइटिंग अरेस्टर, तो वो जो स्पाइक है या जो मेरा असर है बिजली का वो मेरे सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। तो ये मेन काम होता है आपका लाइटिंग अरेस्टर का। तो अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर सेफ्टी के तौर पे यूज किया जाता है ताकि जो आकाशीय बिजली है या जो लीकेज करंट है ये हमें नुकसान ना पहुंचाए, मेरे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए। और सबसे सरल से सरल, छोटा से छोटा, कम रेजिस्टेंस का रास्ता उपयोग करके जमीन में ग्राउंड हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट और उपयोग होते हैं सिस्टम में, हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आज हमने मेनली जो बात की है, जो हमारे सोलर पावर प्लांट है इनकी बात की, स्ट्रीट लाइट के कंपोनेंट क्या है या एग्रीकल्चर पंप के कंपोनेंट क्या है, उन्हें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, या दूसरे थर्मल टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट है जैसे आपका कुकर है, पैराबोलिक ओवन है, या आपका दूसरा प्रोडक्ट है वाटर हीटर है, इनको लेते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, ये हम दूसरे आने वाले कल के वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आज चूंकि समय ज्यादा हो गया है तो इस चर्चा को आज यही रोकते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आज जो भी जानकारी हमने चर्चा में बात की है ये आपके लिए लाभप्रद होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें ताकि लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें। सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो जैसे हमने पहले दिन चर्चा की थी, इसका बहुत सारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ मिलता है। पैसे भी बचा सकते हैं, जो हमारी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वो है, हम इस पर निर्भर हो सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण पर होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनको भी कम कर सकते हैं। तो आप भी जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए कहिए। अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, आईटीआई या अन्य संस्थान में सेमिनार कराने के लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग यदि आप लेना चाहते हैं तो 7 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की आप ट्रेनिंग लेने के लिए भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भोपाल में या नरसिंहपुर में या जबलपुर में या अपने क्षेत्र में भी यदि आप चाहें तो हम वहां भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे सोलर चर्चा विद कृष्णा में, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल सैक पर। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।